Hey guys, welcome to my channel DIY with Pink. So how are you all? I hope you all are doing great. आप सब सेफ होंगे, घर के अंदर होंगे, because अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो आपके घर वाले भी सुरक्षित रहेंगे. तो guys, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. आज की वीडियो में आपके लिए कुछ नया सा लेके आई हूँ. नया तो नहीं कह सकते, बट ये मेरे लिए नया है, because ये मैंने न्यू परचेज़ किया था. गाइज, एक्चुअली समर्स में ना मेरी स्किन ऐसी हो जाती है कि कुछ भी सूट नहीं करता है, और प्लस ऐसे अगर कुछ भी लगा लेती हूँ तो कुछ एक्ने, पिंपल वगैरह होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. मैं होम रेमेडीज़ भी बहुत बारी करती हूँ, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि यार बहुत हो गया होम रेमेडी. कुछ अच्छा सा कुछ अगर फेशियल करना भी है तो कुछ अच्छे से किट लेके आ सके, जिससे कि कोई नुकसान हमारे स्किन को ना हो. तो उसके लिए मुझे मेरे एक फ्रेंड ने रेकमेंड किया था ये डर्म डॉग का. ये है डर्म डॉग का फेशियल किट. ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है गाइज, इसीलिए ही इसका नाम डर्म डॉग रखा गया आई गेस. और ये स्किन ब्राइटनिंग फेशियल है. इसके अंदर चलिए खोल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं. इसके अंदर आपको मिलेंगी ये पांच तरह के ये पाउचेज हैं. एक ये शैशेट, एक्चुअली 2, 3, 4, 5 एक्चुअली ये स्टेप्स है. इसके अंदर आपको सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि हमें ये सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या पहले लगाना है क्या नहीं लगाना है. इसके अंदर आपको नंबरिंग दी होती है कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है. ऐसे आपको इसमें नंबर दिए होते हैं, तो ईज़िली आप इसको शैशेट को फाड़ कर आप ईज़िली यूज़ कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फेशियल करना. और प्लस ये मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है, तो देखते हैं कि इसका फर्स्ट इंप्रेशन मेरे लिए कैसा रहा. तो गाइज, अब हम करने वाले हैं फेशियल. ये है हमारा इसका फर्स्ट स्टेप. ये है क्लिनजर. क्लिनजर करने के लिए सबसे पहले हम फेस को वेट करेंगे. वेट करने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर गुड वाइफ का रोज़ वाटर. अब हम इसमें से निकालेंगे थोड़ा सा. तो क्या गाइज, मुझे लगता है तो वन टाइम ही होने वाला है ये टू टाइम, नहीं तो ये वन टाइम. इतना सा मैंने इसका क्लिनजर लिया है, और 3 or 4 मिनट्स के लिए हम इसको अच्छे से अपने स्किन पर रब करेंगे. गाइज, आप देख रहे हैं ये क्या निकल रहा है, ये वाइट. मेरे ख्याल से ये डस्ट है हमारे स्किन की, जिस क्लिनजर ने आउट किया मेरे फेस से. एंड व्हाट अ फ्रेग्रेंस यार, फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है इसकी. और अच्छे से आपने इसको 3 मिनट के लिए अपने स्किन पर अच्छे से इसे क्लींस करना है. एंड गाइस, सीरियसली लुक एट द फिनिश, कितना सही लग रहा है फेस जस्ट क्लींस यूज़ करने के बाद ही. वाओ. अब हमने क्या करना है, अब एक टॉवल लेंगे और टॉवल से अपने स्किन को अच्छे तरीके से हम साफ करेंगे. वेट टॉवल से अपने स्किन को अच्छे से हम साफ करेंगे. अब हम करें स्टेप वन के बाद, अब हमारा स्टेप टू है स्क्रब. स्क्रब करने के लिए भी पहले हम अपने स्किन को करेंगे वेट. वेट करने के बाद गाइस, पर इसमें ना प्रोडक्ट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम है, जैसे वन टाइम ही हो पाएगा आपका इससे. वन नहीं तो हद टू लगा लो, बट टू से ज़्यादा बारी नहीं हो सकता. अब हमने निकाला है इसमें से स्क्रब. स्क्रब तो गाइज मैं अच्छी क्वांटिटी में ही लूँगी, बिकॉज मेरा स्किन हो रखी है बहुत ज़्यादा डल, और इवन स्क्रब इसमें है भी नहीं है. जस्ट लुक एट द क्वांटिटी, इतनी ही है इसमें स्क्रब की. अब स्क्रब कैसे करेंगे हम अपने स्किन को अच्छे से रब करके. अच्छे से अपने स्किन को हम स्क्रब करेंगे. और मैंने अपने स्किन को कर लिया है वॉश. आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा क्लीन लग रही है मेरी स्किन. ट्रूली गाइज, ये मुझे फर्स्ट इंप्रेशन इसका बहुत अच्छा जा रहा है अभी तक. तो टू स्टेप में क्लींस प्लस स्क्रब परफेक्ट है. चलो अब इसका हम थर्ड स्टेप करते हैं. थर्ड स्टेप है हमारे पास सीरम गाइज. अब सीरम क्या काम करता है, सीरम हमारे स्किन को जस्ट हाइड्रेट करता है. तो देखते हैं इसका सीरम कैसे करता है ये काम सीरम गाइज. सीरम हमने क्या करना है, जस्ट हमने इसको अपने हाथ पे थोड़ा सा वॉर्म कर लेना है, एक्टिवेट कर लेना है अपने सीरम को हमने, और जस्ट फैडिंग मोशन पे अपने स्किन पर इसको लगाना है. गाइज, सीरम का काम होता है हमारे स्किन को हाइड्रेट करना, और अगर हमारी स्किन अंदर से हाइड्रेट होएगी तो हमारी स्किन ऑटोमेटिकली बिल्कुल ही ज़्यादा सुंदर लगती है, प्लम लगती है, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगती है. तो इस सीरम को आपने अच्छे से 2-3 मिनट के लिए मसाज करके
इतना कर देना है कि ये आपके स्किन पर इंटू हो जाए, यानी कि ऑब्जॉर्व हो जाए आपकी स्किन के अंदर। कम से कम 3 मिनट के लिए आप उसको मसाज देंगे अच्छे से स्किन को। अपने नेक को आपने बिल्कुल फॉरगेट नहीं करना है, चाहे वो स्क्रब करना है, चाहे वो आपने सीरम लगाना है, ज़रूर लगाना है आपने अपने गर्दन पे भी। तो चलिए 2-3 मिनट की मसाज करते हैं अपनी स्किन के ऊपर, ताकि ये हमारे जो है, अगर इस मसाज करने के भी ना ट्रिक्स होते हैं, जो क्योंकि एक मसाज टेक्निक ही होती है जो हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा अंदर तक हील करती है। तो आपने क्या करना है, जस्ट नोज़ के अराउंड ऐसे अपनी स्किन को स्ट्रेच करना है, सो दैट ये ऊपर की तरफ जाना है हमने ऐसे, ताकि हमारी स्किन टाइट लगे। और ऐसे नोज को पिक करके आपने ऐसे ही नाक को पकड़ना है, और क्या करना है, अपने 2 फिंगर से इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है। और कम से कम 2 मिनट के लिए ये करें आप, और फिर इधर पकड़कर फिर 2 ही मिनट के लिए आप इधर करेंगे सेम थिंग। और अच्छे से पैड करूँगे ताकि ओवर स्किन पर ये बिल्कुल अच्छे से अंदर तक ऑब्जॉर्ब हो जाए। 2 से 3 मिनट तक गाइस अपनी स्किन को मैंने अच्छे से मसाज दे लिया है सीरम के साथ। अब ये सीरम मेरी स्किन पर बिल्कुल अंदर तक जा चुका है। अब हमारे पास है नंबर 4। ये आपने वाइप आउट नहीं करना है, इसको आपने पोंछना नहीं है, ये स्किन के अंदर ही रहने देना है। अब गाइस ये क्या है, हमारे पास क्रीम है। क्रीम लगाने के बाद हमने क्या करना है, सॉरी, सीरम के बाद हमने लगाना है नंबर 4 स्टेप है क्रीम। और क्रीम को हमने क्या करना है, पहले तो इसको करना है कट सीजर के साथ लाइक दिस, और हम क्या करेंगे इस क्रीम और क्रीम को भी गाइस आपने अच्छे से अपने स्किन के अंदर इंटू होने तक आपने अच्छे से इसकी मसाज करनी है। सो गाइस ये जो क्रीम है ये क्या काम करती है, ये क्रीम हमारे स्किन को अंदर तक हील करेगी, और प्लस हमारे स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करेगी ये। तो आपने ये जो क्रीम है वो उसकी मसाज आपने कम से कम 10 से 15 मिनट देनी है। सॉरी, पहले मैंने 3 से 5 मिनट बोल दिया था, वो मुझे उससे पहले वाले स्टेप याद रह गए। बट गाइस ये क्रीम है तो इसको आपने 10 से 15 मिनट तक आपने अच्छे से अपने स्किन पर मसाज देनी है। उसके बाद आपने जो एक्सेस क्रीम है उसको वाइप कर लेना है, वाइप आउट कर लेना है विद योर कॉटन पैड। कम से कम 10 से 15 मिनट तक आप इसकी अच्छे से मसाज देंगे गाइस। जब आप अपनी स्किन को क्रीम के साथ मसाज करेंगे ना, कुछ स्टेप ज़रूर फॉलो करें जिससे आपकी स्किन को रिलैक्स मिलेगा, और प्लस वो अंदर से सॉफ्ट बनेगी। उसके लिए आपने 2 स्टेप करने हैं, जितना मुझे पता है मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो आपने ये करना है, ये इस स्टेप को 10 बार यहाँ पे कर लेना, और 10 बार ही यहाँ कर लेना। फिर ये 2 चीज़ें लेनी है आपने, जस्ट यहाँ पे कर लेना और यहाँ पे। अब हम आगे हैं इसके लास्ट स्टेप में, जो कि है ये नंबर 5। ये है हमारा पील ऑफ मास्क। लेट्स सी इसका कैसा टेक्सचर है। गुड। हम गाइस इसको ऐसे लगा लेते हैं डायरेक्ट, क्योंकि मुझे नहीं लगता ब्रश से लगाना ये कन्वीनियंट रहेगा। मेरे लिए तो ब्रश से लगाना बिल्कुल भी इनकन्वीनियंट रहेगा ये। अगर आप लोग ब्रश से यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, बट मैंने इसको अपने हाथ से ही लगा लिया। अपनी आईज बचा के
आपकी आँखों में नहीं जाना चाहिए ये, थोड़ा सा इसमें कूलिंग सेंसेशन है जैसे मिंट होता है, बट अमेजिंग गाइस। आप अच्छे से इसको लगाना बिकॉज ये फेस पैक पील ऑफ मास्क। चलो गाइस थोड़ी थिन लेयर लगाना, जितना भी है मेरे ख्याल से ये सिर्फ वन टाइम के लिए ही है, जो भी है इसको हम सेकेंड टाइम यूज़ नहीं कर सकते हैं बिकॉज स्क्रब तो बिल्कुल ही कम था लाइक कि हाँ ये वन टाइम ही हो पाएगा। गाइस ये पील ऑफ मास्क मेरा अब सूख गया है 20 मिनट के बाद। अब आपने क्या करना है, इसको ऊपर की तरफ, बहुत पेन होता है गाइस इसमें ना, मुझे तो खासकर ही पील ऑफ मास्क पसंद नहीं आते, पर क्या करें, किट में था तो लगाना तो यही था। एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा पेन, सो गाइस इट्स रियली पेनफुल फॉर मी बिकॉज मैं कभी ज़्यादा ये पील ऑफ मास्क यूज़ नहीं करती, सी मेरी आँखों में आंसू आ गए हैं। और ये रहा वो पील ऑफ मास्क, दिखने में कितना सा पर दर्द बहुत होता है इससे, बट गाइस टोटली 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 वर्थ इट, ये बहुत अच्छा है। एंड लुक एट माई स्किन, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है इसका रिव्यू। तो मैं सबको रिकमेंड करूँगी कि जिसका फेस थोड़ा सा डल ड्राई है उसके लिए तो ये डर्माडोक का फेशियल किट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप भी इसको यूज़ करके मुझे बताना कि किसके स्किन पर ये कैसे सूट करा। सो दिस इज़ माय रिव्यू एंड माय फर्स्ट इंप्रेशन फॉर दिस प्रोडक्ट जिसका नाम है डर्माडोक ब्राइटनिंग फेशियल किट, एंड इट्स परफेक्टली फाइन फॉर मी, ऑसम, और ये सच में आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है। सो मेक श्योर कि आप इसको एक बार यूज़ ज़रूर करें, थैंक यू सो मच। और हाँ, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूले गाइज, व्यूज आ जाते हैं बट प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि अगला रिव्यू आप कौन से प्रोडक्ट पर देखना चाहते हैं। इससे हमें थोड़ा सा ये होता है कि हाँ आप लोग हमें कमेंट कर रहे हैं तो हमें और डेडिकेशन से काम करने का मन करता है। थैंक यू सो मच एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।